आज ये मुलाकात यानी वीसी के माध्यम से जिला के सभी एसडीओ एसडीपीओ वीडियो सीओ थाना प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया है। विशेषकर विगत कुछ दिनों में माइग्रेंट लेबर जो भाई और बहन जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं वो वापस जाने के लिए कुछ जगह से फ़ोन भी कर रहे थे और कुछ माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा भी इस बात पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वो जाने का प्रक्रिया क्या है, तो उनको जो लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड जो दो तरह का जो रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड जो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है उसमें केवल वो हस्ताक्षर करके अपना आधार कार्ड के साथ उसका जो आधार कार्ड का जो कॉपी है उसके साथ पंचायत सेवक अपना जो पंचायत का जो भी पंचायत सेवक होंगे उनको देकर वो ज़रूर जा सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितने भी जा रहे हैं उनको लाल कार्ड इशू किया जाएगा और जो भी जो ग्रुप में जाना चाहते हैं पांच या ज़्यादा व्यक्ति एक साथ किसी नियोजक या किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए हरा कार्ड इस्तेमाल होगा। इन दोनों के बारे में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सभी को इस बात के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई, संबंधित आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया गया। पूरे जिला में 12,000 की संख्या में सभी लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड को भी आज ही प्रखंड तक हम लोग वितरित कर रहे हैं। तो कल से पंचायत सेवक भी इस कार्ड देने के लिए सक्षम होंगे। किसी भी लेबर कार्यालय में किसी मजदूर भाई बहन को चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए पूरे प्रक्रिया को हम लोग डिसेंट्रलाइज किए हैं। तो ये वाला कार्ड अगर आप लेके जाएंगे तो भविष्य में अगर आपको कोई समस्या भी होती है तो उसी कार्ड में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का फ़ोन नंबर भी रहेगा और आपका फ़ोन नंबर और आप किस जगह पे जा रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी जिला प्रशासन के पास रहेगा। तो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ आपके परिवार के साथ कोई अगर घटना घट जाती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपको दे लाभ होगा वो ज़रूर प्रशासन आपको पहुंचाएगी। इसी के साथ साथ विशेषकर जो इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं जो जगन्नाथपुर क्षेत्र में रहता है वहाँ कई सारे लोग स्टेट से बाहर से भी आते जाते हैं लगातार, तो वैसे लोगों पे जो लगातार फ्रीक्वेंटली मूवमेंट करते हैं उन लोगों के मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। इसी तरह पूरे जिला के भी सभी पॉइंट्स पे चेक पोस्ट की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी और कंटेनमेंट जोन जहाँ भी बना है वहाँ न्यूनतम 14 दिन के लिए उसमें रखना है और घर घर उसके सर्वे भी कराना है, उसका जो सिम्टोमेटिक जाँच भी कराना है। तो इस सभी के बारे में भी वीडियो से थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। और किसी भी व्यक्ति बिना कोई मास्क का अगर शहरी क्षेत्र में विशेषकर जहाँ घनी आबादी रहता है अगर वैसे क्षेत्रों में अगर घूमता है तो ज़रूर वैसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो टाउन में 50 रुपये तक फाइन देने का भी इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ विचार विमर्श हुई और 133 CRPC के तहत ये आदेश भी निकला जाएगा जिसमें पब्लिक हेल्थ को एंडेंजर करने के लिए अगर कोई कोशिश करते हैं बिना मास्क अगर घनी आबादी क्षेत्र में घूमते हैं तो वैसे व्यक्ति को 50 रुपये फाइन और द्वितीय बार पकड़े जाते हैं तो वैसे व्यक्ति को 100 रुपया फाइन और तृतीय बार रहता है तो उनको एक मोहर लगाते हुए हम लोग आवश्यकता होने पर होम क्वारंटाइन भी करेंगे। तो मैं सभी जिलावासियों से अपील करूँगा अभी कोरोना से जो जंग है जो लड़ाई है उसका जो इम्पोर्टेंट पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है अभी रिलैक्स नहीं होना है हम लोगों को। अभी कोरोना की लड़ाई का शुरुआत मैं मानता हूँ इस जिला में अभी हुआ है तो हम लोगों को अभी बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मास्क हो ग्लव्स हो इसका विधिवत इस्तेमाल करते हुए आप लोग कोई भी आवश्यकता होने पे ही आप बाहर निकलें, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम को इंकरेज करें और किसी अफवाहों पे ध्यान ना दें। प्रशासन के द्वारा बुलेटिन हर दिन रिलीज किया जा रहा है, पूरे जिला में जितने भी ILA और सारी यानी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स और जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं वैसे लोगों का चिन्हितीकरण भी हो गया है तो उसमें जितना 573 व्यक्ति का भी हम लोग सैंपल लेने का प्रक्रिया अभी आगे बढ़ा है। तो इसीलिए किसी को कोई अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, अपना जीवन आगे बढ़े केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग आप जरूर करें।